लेकिन जैसे इस कैंपस में आप हिंदुज्म की बात करते हो, हिंदू दर्शन की बात करते हो, लोगों को समस्या हो जाती है। कम्युनल तो ये लोग हैं, कम्युनल तो यहाँ का लेफ्ट है। जो जेएनयू की लाइब्रेरी में जाइए, वहां पर जो है उसको मस्जिद बनाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ के लेफ्ट के द्वारा, यहाँ के कुछ मजहबी लोगों के द्वारा। वहां पर रोज नमाज होता। मैं पूछना चाहता हूँ, 25 साल से वहां पर नमाज चल रहा है, मैंने लेटर लिखा है, बीवीसी को दिया है, इस पर मीडिया में चला था बहुत सारी चीजें, आज तक उसको क्यों नहीं बंद कराया? मैं पूछना चाहता हूँ कि जेएनयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में यदि नमाज करते हैं तो क्या यहाँ का बौद्ध जाकर वहां साधना करता उसको साधना करने देंगे? क्या जैन यहाँ का साधना करेगा उसको करने देंगे? क्या यहाँ का जो है कि कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पर साधना करेगा, अपना धार्मिक कार्य करेगा, तो उसको करने देंगे आप? नहीं करने देंगे। लेकिन एक विशेष प्रकार के मजहबी लोगों को जो कि प्रशासन से अनुमति भी लिए नहीं है, जब गार्ड उनको मना करने जाता है कि सर यहाँ पर नमाज मत कीजिए, बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो गार्ड के लोग मारने दौड़ जाते हैं। जब बच्चा जाके मना करता है सर हमें ऊपर सीढ़ी पर जाना, उसको सीढ़ी पर नहीं जाने देते। भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A खत्म कर दिए। इस पे जो दूसरे विपक्षी पार्टियां थी उसमें से बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया सरकार को, क्योंकि लोगों को लगा कि देश हित अलग चीज होती है, पार्टी हित अलग चीज होती है। लेकिन वहीं पे जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी वो उसका पोज कर रही थी, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मित्र। देखिए, यही चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण श्रोताओं को, जहां तक भी मेरी आवाज जाएगी, 370 और 35 से हटाने पर सबको बहुत बहुत बधाई। और स्पेशली मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, बीजेपी, आरएसएस, सबको बहुत बहुत बधाई और सबको शुभकामनाएं। और इन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद कि इन लोगों ने इस प्रकार का निर्णय लिया। और कश्मीर के हमारे जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को भी सारे अधिकार दिए जिससे उन लोग को रिजर्वेशन मिले और वो लोग उन्नति करें। सिटीजनशिप भी नहीं था दूसरा, हाँ नहीं था दूसरा चीज। सबसे ज्यादा फायदा हमारे देश के कश्मीर के बंधुओं को भी है, ऐसी दिक्कत भी नहीं है। कश्मीर के लोगों को फायदा है, वहां समस्या केवल 5-6 राजनीतिक परिवारों को है, जो कश्मीर लद्दाख परिवार कह रहे हैं, वही परिवार उनका। अच्छा। तीन परिवार जो भी देख रहे फैला हुआ है उनका, छोटे मोटे परिवारों को फैलाए हुए, पूरा धंधा है उनका। तो मोदी जी, अमित शाह जी ने बहुत अच्छा इस पर निर्णय लिया, इसका हमें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात, और तीन तलाक को भी हटाए इन लोग का, तीन तलाक का निर्णय भी सर्वमान्य है। और मैं तो चाहता हूँ अभी भारत से तीन तलाक हटाया गया मित्रों, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस, बीजेपी पूरा मिलकर इसको इवन में भी उठाए इस बात को, और जहां पूरे विश्व में जहां भी महिलाओं के साथ तीन तलाक के कारण ऐसा क्या है, कुछ तीन तलाक को हटाना चाहता है, क्योंकि हमारी मुस्लिम बहनों को न्याय मिले, उनको भी अच्छे से जीने का अधिकार दिया जाए। मैं कहता हूँ कि एक मुस्लिम व्यक्ति एक महिला को त्याग कर सकता है, तो उस महिला को भी अधिकार दीजिए कि वह भी उस मुस्लिम महिला तुरंत उस मुस्लिम पुरुष का त्याग। अच्छा, ट्रिपल तलाक पे हम बात आएंगे, पहले 370 की हम बात कर ले। 370 जो है वो जम्मू कश्मीर जो वर्तमान अभी दो भाग में बांट दिया गया, सिर्फ वहां से तो हटा नहीं है। अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें तो चार ज्योग्राफिकल पार्ट है, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जम्मू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कश्मीर वालों को प्रॉब्लम है और हर कोई कश्मीर ही जा रहा है। अरे मित्र, कश्मीर वालों को भी समस्या नहीं, समस्या वही जो कुछ परिवार विशेष है उनको है। कश्मीर के लोग खुश हैं, कश्मीर का हर एक बच्चा चाहता है कि पढ़े लिखे, अध्ययन अध्यापन करे। कश्मीर का हर एक परिवार का लोग चाहता है, आप अपने बेटों को लंदन भेज देते हैं, वही वही चीज देखिए वहाँ के पत्थर, वही चीज वहाँ देखिए। सबसे बड़ी क्या समस्या है, जितना भी नेता हम करें मूर्ति अपने बच्चों को दे पत्थर फेंकने के लिए, वहां का जो अब्दुल है वो अपने बच्चों को, अपने बच्चे को तो सीएम बना रहा है, दूसरे बच्चों से अन्य अपने बच्चों को फॉरेन पढ़ा रहा है लंदन में, और दूसरे गरीब बच्चों से मुस्लिम बंधुओं से जो है पत्थर फेंकवा रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आप भारत को बांटने की बात कर रहे हो, भारत की अखंडता को समाप्त करने की बात कर रहे हो। मित्रों, मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी, आरएसएस, जो भी राष्ट्रहित में कार्य कर रही है, आप सब लोग समर्थन दीजिए। जिस प्रकार से इस साल आप लोग जिताए हैं, 2021 में चुनाव बंगाल में वहां भी जिताइए बीजेपी को, 22 में यूपी में वहां भी जिताइए, और 24 में फिर इलेक्शन होता है, फिर मोदी जी को भारी मतों से लाइए। योगी जी, वो तो बात की बात है,
आप हम अभी जेएनयू की बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे थे आप बुलंदशहर के सियाना में पिछले साल दिसंबर में एक गाय मारी गई, कुछ ऐसा कुछ विवाद पे विवाद हो गया, उग्र प्रदर्शन हुआ, वहां पे इंस्पेक्टर जो है वो गए और लोगों ने भीड़ ने पीट पीट के मार डाला और उसमें भारतीय जनता पार्टी, युवा वाहिनी और उससे संबंधित जो लोग थे उनका नाम आया और जब वो जेल से छूटे तो उनका बिल्कुल फूल माले से स्वागत किया गया। इसी तरह से झारखंड में भी घटना हुई थी मॉब लिंचिंग की, जब वो छूटे तो जो जो तत्कालीन जो मंत्री थे वो भाजपा के, वो खुद अजीत सिन्हा अगर मुझे नाम से याद आ रहा है तो वो खुद वहां जो है माले बनाकर स्वागत किया। तो ये कैसे आप एक तरफ समरसता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मॉब लिंचिंग में शामिल हैं वो उनको आप सम्मान दे रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं? देखिए जयंत सिन्हा मुझे नाम देखिए मित्र, मेरा कहना है आसिफा के साथ जो हुआ गलत, बिल्कुल हुआ उस, लेकिन ट्विंकल के साथ जो हुआ क्या सही हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार। नहीं, बिल्कुल आप गीता के साथ जो हुआ सही हुआ? किसी भी लड़की सीपी में दिल्ली में, मित्र सुन लीजिए, सीपी में दिल्ली में कोई भी लड़की हो चाहे किसी भी समाज जाति का, जी जी जी, अब भारत का छोड़ दीजिए अगर पाकिस्तान का गलत, सीपी में दिल्ली सीपी में जो है कि अंकित सक्सेना उसकी माँ बाप बहन के सामने उसका कुछ मजहबी लोगों के द्वारा खुलेआम गला ऐसे करके काट दिया जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल, उस पर कोई मीडिया नहीं बोलता है, उस पर कोई सो कॉल्ड फाइव स्टार इंटेलेक्चुअल नहीं बोलता है, उस पर जो है कि ब्रांडी और बियर महंगी महंगी दारू पीने वाला और जो है कि बड़े बड़े होटलों में बैठकर डिस्कस करने वाला यहाँ का इंटेलेक्चुअल, यहाँ का मीडिया उस पर बात नहीं करता है। क्या अंकित सक्सेना, क्या गीता, क्या ट्विंकल किसी के लड़की नहीं थे, किसी के बेटे नहीं थे, क्या उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी? बिल्कुल नहीं थी? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, किसी भी प्रकार की निंदा होती है, बस मैं भी बोला किसी भी प्रकार की हिंसा होती है उस हिंसा का मैं खंडन करता हूं, लेकिन यदि आप जो कि सोचते हैं समाज के विषय में तो आपको जो कि सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होना है, आपको यूनिवर्सल अप्रोच लेकर चलना है, आपको सबके विषय में सोचना है, सब भारत की अखंडता के विषय में बात करनी है, हमें आपको बात करनी कि भारत का विकास कैसे हो, भारत का सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, भारत का जो है कि राजनीतिक साइंटिफिक ये डेवलपमेंट कैसे हो, कल्चर डेवलपमेंट। अच्छा योगी जी, मैं यहाँ आपसे सहमत हूँ कि अपराधी कोई भी हो उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन एक चीज जो है जो कि आप जैसे कैंडिडेट नहीं बल्कि आप एक जेएनयू के इंटेलेक्चुअल है उस नाते से मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर इसका कारण क्या है जो मॉब लिंचिंग हो रही है, एक खास समुदाय के प्रति हो रहा है, उसमें दलित मुस्लिम ज्यादा विक्टिम हो रहे हैं, हिंदू भी विक्टिम हो रहे हैं, बल्कि जो दलित है उसको तो आप हिंदू ही कह रहे हैं, हिंदू ही विक्टिम हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं सही है, मैं आपसे बिल्कुल सहमति रखता हूं कि अंकित सक्सेना की आपने बात की, ट्विंकल की बात की और भी जो अभी गीता की बात की, उनके साथ भी गलत हुआ और उस तरीके से रिएक्शन नहीं आया जैसे कि आसिफा के बारे में आया था। मैं कह रहा हूँ आसिफा के बारे में बिल्कुल सही रिएक्शन था, लेकिन वैसा रिएक्शन योगी जी मैं आप तो सहमत हूँ, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ आप सहमत हो, इसका क्या कारण है और क्या ये मतलब एक आपको ये लगता है कि चूंकि एक समुदाय के प्रति जब कुछ हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, दूसरे के प्रति हो रहा है तो लोग चुप हैं, तो क्या इसका गुस्सा लोगों में? बात ये कि भारत का जो इस्लामिस्ट मीडिया कुछ है, जो इस्लामिस्ट लेफ्ट है, जो इस्लामिस्ट इंटेलेक्चुअल्स है, वो लोग का फंडा ये कि भारत को तोड़िए, हिंदुज्म को अपमानित कीजिए, हिंदू ज्ञान परंपरा को हटाइए, यहाँ पर इस्लामिस्ट अप्रोच को हावी कीजिए, गजवा ए हिंद, हम भारत को नहीं बनने देंगे मित्रों, जो इस्लामिस्टों का जो कॉन्सेप्ट है, जो इन कम्युनिस्टों का कॉन्सेप्ट है, ये लोग जो है कि फॉरेन फंडेड हैं, इन लोग को इसीलिए पैसा दिया जाता है कि भारत को बर्बाद करो, भारत की बुराई के विषय में बात करो। भारत की ग्रंथ परंपरा के विषय में देखिए ना, मैं पूछता हूं कि जेएनयू में हमारे 10 सिख गुरुओं के विषय में सोशल साइंस के इतने बड़े स्कूल हैं, SSS 1 SSS 2 SSS 3, हमारे सिख 10 गुरुओं को क्यों नहीं पढ़ाया जाता जेएनयू? क्यों गुरु तेग बहादुर को नहीं पढ़ाया जाता? क्यों यहाँ पर जो है कि शीश गंगा में जो है कि जाके देखे अपना सिर तक कटवा दिए इस देश को बचाने के लिए, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? गुरु नानक को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अर्जुन देव जी को क्यों नहीं पढ़ाया जाता?
क्यों मतलब सिलेक्टिव अप्रोच हमेशा मार्क्स लेनिन, मार्क्स लेनिन ने बात किया था, उनका कॉन्टेस्ट कुछ अलग था, उनका अप्रोच कुछ अलग था, भारत के लिए नहीं था। आप जो कि उसको जबरदस्ती भारत में अप्लाई कर रहे हो। चलिए आपके पास ये, मैं अभी एक पर्चा देख रहा था, अभी मैं दर्शकों को दिखा दूं यहाँ पे, NSYMSF अर्थात नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया जो कि कांग्रेस के संगठन है, और MSF अर्थात मुस्लिम स्टूडेंट्स फोरम। क्या आपको लगता है कम्युनलाइजेशन है, एक विद्यार्थी संगठन है और उसने अपना नाम रखा है मुस्लिम स्टूडेंट्स फोरम, राइट? कल को कोई हिंदू स्टूडेंट फोरम भी रख लेगा, कोई सिख स्टूडेंट फोरम रख लेगा, कोई क्रिश्चियन स्टूडेंट फोरम भी रख सकता है। तो आप NSY को कहां से देखते हैं? क्योंकि ये NSY के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं प्रशांत कुमार जी, मैं उनसे बाद में अलग सवाल करूंगा, लेकिन चूंकि आप भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं तो आपके माध्यम से मैं जनता से भी पूछ रहा हूं, और आप मैं चाहता हूं कि आप मेरे माध्यम से जो जेएनयू की जनता उसको ही बताइए कि क्या ये कम्युनलाइजेशन है, NSY सीधा सीधा एक मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसके पहले स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ मिलकर के लेफ्ट लोगों ने चुनाव लड़ा था। मित्र बहुत अच्छा है क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां इस कैंपस में आप देखें ना, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जैसे इस कैंपस में आप हिंदुज्म की बात करते हो, हिंदू दर्शन की बात करते हो, लोगों को समस्या हो जाती है। कम्युनल तो ये लोग हैं, कम्युनल तो यहाँ का लेफ्ट है, जो जेएनयू की लाइब्रेरी में जाइए वहां पर जो है उसको मस्जिद बनाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ के लेफ्ट के द्वारा, यहाँ के कुछ मजहबी लोगों के द्वारा, वहां पर रोज नमाज होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, 25 साल से वहां पर नमाज चल रहा है, मैंने लेटर लिखा है, VC को दिया है, इस पर मीडिया में चला था बहुत सारी चीजें, आज तक उसको क्यों नहीं बंद कराया? मैं पूछना चाहता हूं कि जेएनयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में यदि नमाज करते हैं तो क्या यहां का बौद्ध जाकर वहां साधना करता उसको साधना करने देंगे? क्या जैन यहां का साधना करेगा उसको करने देंगे? क्या यहां का जो है कि कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पर साधना करेगा, अपना धार्मिक कार्य करेगा तो उसको करने देंगे? आप नहीं करने देंगे, लेकिन एक विशेष प्रकार के मजहबी लोगों को जो कि प्रशासन से अनुमति भी लिए नहीं है, जब गार्ड उनको मना करने जाता है कि सर यहाँ पर नमाज मत कीजिए, बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, तो गार्ड के लोग मारने दौड़ जाते हैं। जब बच्चा जाके बच्चा जाके मना करता है सर हमें ऊपर सीढ़ी पर जाना, उसको सीढ़ी पर नहीं जाने देते। वहां पर इतना बड़ा बड़ा बंडल, मेरे पास पूरा फोटो है, बोले तो आपको मैं दिखाऊंगा, जाकर आप देख लीजिए लाइब्रेरी में, और वहां पर नमाज चला। क्या जेएनयू कैंपस को मजहबी नमाजी बनाने का प्रयास किया जा रहा है? लेफ्ट ने आज तक किस पर क्यों नहीं बोला? मैं आपसे लेफ्ट को बोलना